मीशो एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि आज हर ऑनलाइन सेलर्स की पहली चॉइस बन चुकी है। इसका रीजन ये है कि आज मीशो 0% कमीशन प्लेटफॉर्म है और इसका पेमेंट साइकिल भी अन्य मार्केट प्लेसेस लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट इन सबसे कम है। इन सारे बेनिफिट्स के बाद भी क्या आप मीशो से प्रॉफिट बना पा रहे हैं? 5% सेलर्स का जवाब होगा हाँ, लेकिन 90% ऐसे भी सेलर्स हैं जिनका जवाब होगा नहीं। बाकी 5% सेलर्स ऐसे भी हैं जिनको ये भी नहीं पता है कि उनको प्रॉफिट हो रही है या फिर लॉस। शॉक लगा? चलिए जानते हैं लगातार ऑर्डर्स आने के बावजूद भी बहुत सारे सेलर्स आज लॉस में क्यों हैं। अगर आप मीशो पे नए सेलर हो या फिर मीशो पे सेलिंग करने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। पहला रीजन है मीशो का प्राइस रिकमेंडेशन टूल, जहाँ एक तरफ ये सेलर्स को मौका देता है कि वो प्राइस को कंपैरिजन कर सके, वही दूसरी तरफ मीशो का एआई ये नहीं समझ पाता कि कंपैरिजन किस प्रोडक्ट से करें। फॉर एग्जांपल, अगर सेलर ए एक कॉटन टी शर्ट को 300 रुपए में बेचता है, वही दूसरी तरफ सेलर बी एक पॉलिस्टर टी शर्ट जो कि सेम ग्राफिक्स पे 150 रुपए में सेल करता है, तो मीशो का एआई प्राइस रिकमेंडेशन आ जाती है सेलर ए को कि वो अपने प्राइस को अपडेट करे, और इस चक्कर में सेलर ए प्राइस अपना कम कर देता है लेकिन बाद में वो बढ़ा नहीं पाता, जिससे सेल्स तो आ जाती है लेकिन ट्रांसफर प्राइस बहुत ही कम होता है और इससे सेलर्स को बहुत ही लॉस होता है। आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता दूं कि ये वीडियो से सेल्फ एक्सपीरियंस के बेसिस पे बना गया है, जिसमें आपको मीशो के फ्लॉज के बारे में बताया जा सके। इस वीडियो का मकसद सिर्फ और सिर्फ सेलर्स को जागरूक करना है, न कि मीशो जैसे स्टार्टअप को डिग्रेड करना। अगला पॉइंट है व्यूज, क्लिक्स एंड ऑर्डर रेशियो। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि मीशो एक रिसेलिंग ऐप है और यहाँ अदर प्लेटफॉर्म के अपेक्षा यहाँ पर व्यूअर्स की संख्या ज़्यादा होती है। ये इस ऐप की पॉजिटिविटी के साथ साथ निगेटिविटी भी है। अगर आप इस पर ऐड रन करते हैं तो आपको व्यूज़ तो बहुत लाखों में मिल जाएंगे, क्लिक्स भी आएंगे। क्लिक्स बहुत होने की वजह से आपके पैसे जल्दी एग्जॉस्ट हो जाते हैं, लेकिन ऑर्डर्स बहुत कम आते हैं, जिससे आपका ROI इफेक्ट होता है और कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट बहुत हाई हो जाता है। अगला पॉइंट है कस्टमर रिटर्न्स एंड RTO रेट्स। मीशो पर अदर प्लेटफॉर्म की तुलना में कस्टमर रिटर्न्स और RTO रेट्स ज़्यादा होते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और अदर सेलर से बात करने पर भी उनसे ये पता चला है कि उनके रिटर्न्स ज़्यादातर रिटर्न्स हो जाते हैं। रीजन इसका ये है कि मीशो पर मोस्टली ऑर्डर्स जो है वो COD होते हैं, जो कि एक चांसेस बढ़ा देता है RTO या फिर रिटर्न्स का, और कस्टमर मोस्टली जो है रिफ्यूज कर देते हैं ऑर्डर्स को लेने में। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट रीजन है वो है फेक कस्टमर। मीशो पे ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स हैं जो कि फेक हैं और सस्पिशियस हैं। वो जो है ऑर्डर तो कर देते हैं लेकिन बाद में वो ऑर्डर लेने के लिए रिफ्यूज़ कर देते हैं, या फिर लेने के बाद वो उस प्रोडक्ट के जगह पे किसी कोई और डुप्लीकेट या फिर यूज प्रोडक्ट को रिटर्न कर देते हैं, जिससे जो है RTO या फिर रिटर्न रेट बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और इससे सेलर्स के रेटिंग्स पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। यहाँ पर लॉजिस्टिक का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि लॉजिस्टिक पर्सन जो है रिटर्न के टाइम वो कस्टमर्स के प्रोडक्ट्स को रिव्यू प्रॉपरली करते नहीं है, या फिर मीशो प्रॉपर ओपनिंग वीडियो कस्टमर से डिमांड नहीं करती है। यहाँ पर लॉजिस्टिक को कस्टमर्स के प्रोडक्ट का क्रॉस चेक करना चाहिए कि वो सही प्रोडक्ट रिटर्न कर रहा है या नहीं, क्योंकि इससे जो है सेलर्स को, मीशो के सेलर्स को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। बात करते हैं एडवर्टाइजमेंट। दोस्तों, अगर आप फ्लिपकार्ट पर सेल कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि आपको एड्स रन करने के लिए आप वॉलेट में पैसे ऐड कर सकते हैं या फिर COD के बेसिस पे भी आप पेमेंट कर सकते हैं, बट मीशो में ऐसा नहीं है। इसके साथ ऑटो कंसेंट फैसिलिटी की वजह से सेलर्स के न चाहते हुए भी मीशो एड्स रन कर देता है, जिससे पैसे कंज्यूम होते रहते हैं। आई होप इस फीडबैक के साथ मीशो इस पर ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करेगा, क्योंकि ये एड्स सिर्फ और सिर्फ आपके प्रीवियस ऑर्डर्स के क्रेडिट के बिहाफ पे ही एड्स रन करने को मिलता है। कभी कभी सेलर्स एड रन करना तो चाहता है सेल डाउन होने की वजह से, बट उसे निराशा ही हासिल होती है क्योंकि उसके पास क्रेडिट नहीं होता है एड को रन करने के लिए, क्योंकि ऐसा चैलेंजेस बहुत सारे सेलर्स के साथ हो रहा है और आप मीशो के सोशल मीडिया वेबसाइट पे आप देख सकते हैं ऐसे कंप्लेंट्स सेलर के थ्रू। महासेविंग सेल्स एंड फेस्टिवल सेल्स। आजकल कंपटीशन के दौर में सभी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ज़्यादा से ज़्यादा ऑफर देने की होड़ में लगी हुई है। उनमें से एक है मीशो का महासेविंग सेल्स एंड फेस्टिवल सेल्स। अगर जितना ज़्यादा डिस्काउंट देगा विजिबिलिटी उतना ज़्यादा हाई आएगी, और उनमें से भी जो एड रन करेगा उसकी विजिबिलिटी सबसे ज़्यादा हाई होगी। ज़्यादा विजिबिलिटी और ऑर्डर्स के चक्कर में नए सेलर्स बिना सोचे समझे ऑफर्स एंड एड्स का कंसेंट दे देते हैं, जिससे मीशो का रेवेन्यू तो बहुत ग्रो हो जाता है लेकिन इसमें सेलर्स को बहुत लॉस होता है।
भी जो ऑर्डर्स आते हैं उसमें 30-40% कस्टमर रिटर्न या फिर RTO में चला जाता है, जिससे उसे पेनाल्टीज का भी सामना करना पड़ता है और सेलर्स को न के बराबर प्रॉफिट होता है। ये थे मेजर पॉइंट्स जो सेलर्स को इम्पैक्ट कर रहे हैं और मैक्सिमम सेलर्स मीशो के साथ अनबोर्ड होने में कतरा रहे हैं। आई होप मीशो जल्द से जल्द इन चैलेंजेस को सॉर्ट आउट कर लेगा, जिससे सेलर्स को और ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। करता हूँ वीडियो आपको ट्रूथफुल और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। बाकी वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमें सब्सक्राइब बटन पर जरूर क्लिक करें, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के रेगुलर सब अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद।